और वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में सीकर की नीट और आईआईटी जेई की कोचिंग पीसीपी प्रिंस के देवेश जोशी ने 720 में से 720 अंक हासिल कर लिए हैं और ऑल इंडिया में वो फर्स्ट रैंक भी हासिल उन्होंने कर लिया है। देवेश जोशी अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दादा और पीसीपी प्रिंस की फैकल्टी टीम को देते हैं। देवेश ने एनडीटीवी से विशेष बातचीत में कहा है कि वह प्रतिदिन 5 से 6 घंटे तैयारी करते थे और देवेश का कहना है कि बड़ी सफलता के लिए जो कंसिस्टेंसी है उसकी आवश्यकता बहुत है। पूरी तैयारी के दौरान वह मोबाइल और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाकर उन्होंने रखा था। और देवेश मूलतः डोटा भीम करौली के रहने वाले हैं और पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ जयपुर शहर में रह रहे हैं। देवेश के पिता लोकेश जोशी जयपुर शहर में विद्युत विभाग में कर्मचारी हैं जबकि माता मंजू शर्मा गृहिणी हैं। पीसीपी प्रिंस कोचिंग के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा ने टॉप देवेश को 21 लाख रुपए नकद पुरस्कार देने का ऐलान तक कर दिया है। नीट परीक्षा 2024 में एक बार फिर से सीकर की पीसीपी प्रिंस स्कूल ने कीर्तिमान हासिल किया है और प्रिंस के देवेश जोशी ने इस बार जो है ऑल इंडिया टॉप किया है। उनसे जानेंगे कि उनका ये क्या राज है कि उन्होंने टॉप किया, किस तरह से उन्होंने तैयारी की है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई टॉपर्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने किस तरह से तैयारी की जो आज ये कीर्तिमान अचीव कर पाए हैं आप? मेहनत की सर, और फिर बाद में ये रिजल्ट आएगा, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को भी नहीं पता था कि इतने आएंगे। मेरे को सही अच्छा लग रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। प्रतिदिन कितने घंटे आपने तैयारी की इस अचीवमेंट को? डेली बेसिस पे मैं सिर्फ 5 to 6 आवर्स पढ़ता था और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में तो टाइम बढ़ा दिया मैंने, 12 से 13 घंटे पढ़ता था रोजाना। मूड फ्रेश करने के लिए भी कोई आप कोई गेम्स वगैरह कुछ इस तरह? नहीं नहीं सर, वो वॉक कर लेता था जब मूड फ्रेश। मोबाइल वगैरह? मोबाइल तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो मोबाइल तो नहीं। मोबाइल से दूरी बनाई रखी? बिल्कुल सर। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, प्रिंस की पूरी टीम को और मेरे दोस्तों को देना चाहूँगा। आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए हैं, तो आप अन्य छात्रों को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लगातार आप मेहनत करते रहिए। इंस्टेंटली आपको रिजल्ट ना दिखे लेकिन लास्ट में आपको पक्का रिजल्ट दिखेगा। आगे क्या लक्ष्य रहेगा? आगे कॉलेज एम्स दिल्ली मिल जाएगा, आप तो वहाँ से MBBS करनी है सर, यही सपना था। हमारे साथ में प्रिंस के डायरेक्टर सर भी, पीयूष जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो है तैयारी छात्रों को करवाई है ताकि इस मुकाम तक छात्र पहुंच पाया है। हर मीटिंग में कहा जाता था कि पीसीपी में 720/720 आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, कब आएंगे ये समय बताएगा। और उस आह्वान को, उस सपने को देवेश ने बहुत ही जल्दी साबित कर दिया, प्रमाणित कर दिया। 720/720 और ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक आना हर कोचिंग का, हर कोचिंग के फैकल्टी टीम का ड्रीम होता है और देवेश ने दिन रात की मेहनत से, पेरेंट्स से पूरे सपोर्ट से, फैकल्टीज की दिन रात की मेहनत से ये मुकाम हासिल हुआ है। मैं सभी टीम मेंबर्स को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ये थे पीयूष जी सुंडा, जिन्होंने भी बताया कि पूरी मेहनत और लगन के साथ, टीम भावना के साथ बच्चे ने तैयारी की। सारे जो फैकल्टीज हैं उनका भी इनको लगातार साथ मिला जिसके चलते आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। सीकर से NDTV के लिए जगदेव सिंह।